कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं बिना कोई लोकप्रिय का। एक लखनऊ की गर्ल है जो एक कैब ड्राइवर को उछल उछल कर 22 थपरे जड़ देती है। थोड़ा एक नजर उस पर देख लेते हैं। देखिए मेरे पूरे शरीर पे चोट लगी है। मैं आपको चुप, बिल्कुल चुप। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में। थप्पड़ खाइए, आप लखनऊ में हैं। वुमन, I'm 28 years old. 28 years old? बेकार में लोग इन्हें दीदी का क्या बुला रहे? ये तो आंटी निकली आंटी। शुरू मजबूरी में किए थे। अब आएगा एंटरटेनमेंट, आपको भी, हमें, हम सब लोगों को। अगर मोहतरमा ये बताइए, अगर शहादत अली आपको मारने की कोशिश करते तो डायरेक्ट ठोकने ही देते कि उतर के वह 22 थप्पड़ खा रहे होते और देख रहे होते हैं। और सभी को खतरा है, पूरी सोसाइटी के लोगों को खतरा है। अरे मैम, सोसाइटी वाले इतने अच्छे होते ना, तो इतनी चोट लगने के बाद पूछा होता उन्होंने, बेटी कैसी हो, मर गई हो या जिंदा हो? कैसी हो? अच्छी बात। सोसाइटी वाले क्या चूतिया हैं कि आपसे पूछने आएंगे आप कैसी हैं? बेटी दर्द तो नहीं हुआ, मलहम तो लगा, क्यों नहीं लगा? ये है इनका इंस्टाग्राम फोटो और ये है रियल फोटो। जब इससे तो ये पता चला कि इंस्टा वाला भी लड़कों के साथ बहुत बहुत बड़ा चुतिया करता है। मुझे मार रहे थे वो लोग मिल करके, पूरी जितनी पब्लिक है या उसके लोग हैं, अटैकर के लोग थे, मुझे हिट किया। क्या सेल्फ डिफेंस में मैं उसको मार नहीं सकती? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। सारे लोग मार रहे थे, ईद बेचारी सेल्फ डिफेंस कर रही थी, कूद कूद कर मारने वाली, वो कौन सा सेल्फ डिफेंस होता है? आप लोग बताइए। वेल एडुकेटेड है प्रियदर्शनी, कम से कम पढ़े लिखे लोगों से तो हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते ना कि आप बीच सड़क पर किसी को पकड़ के पीटने लगे। वो चला जाएगा, ये भी एक्सपेक्टेशन पढ़े लिखे नहीं करते हैं मैम जाहिलों से। स्टैंड लेना बहुत अच्छी बात है लेकिन जो वो वीडियो जो वीडियो थप्पड़ मार दिया तो जस्टिफाइड है कि लड़की ही सही, लड़का गलत? हाँ, लड़का गलत। अगर पहचान मैं अगर हाथ भी रख देता तो मुझ पे ये कितनी धाराएं लगा देती, मेरी तो जिंदगी खराब हो जाती। मेरे घर में मेरी माता पिता ने ये नहीं सिखाया है किसी औरत को मारना। ये बेचारी पढ़े लिखी वेल एजुकेटेड लोग हैं, मतलब इससे बेहतर तो शहादत अली की बात लगी मुझे। भाई रहने दो, तुम बंद करो, बंद करो, तुम बंद करो। पढ़ी लिखी लड़की हूँ ना, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, कोई सिग्नल वायलेट करता हुआ चला जाएगा? कोई सेंस है इस बात की? लग जाता, मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं बहुत कूल माइंडेड हूँ इसका। अच्छा, ये कूल माइंडेड है, वो तो रोड पर दिख ही रहा है, आपको भी हमें भी। मैं इस चीज के गवाह कि मेरा हमेशा बीपी लो रहता है जो। अरे उसे बीपी लो नहीं बोलते, बीपी हाई बोलते हैं। मुझे इतनी सारी बीमारियां हैं कि ऑब्वियस सी बातें कौन है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।